हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जिग थंडा डबल एक्स यानी कि जिग थंडा टू नाम से भी इस फिल्म को जाना जाता है तो ये एक पेन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली फिल्म थी जिसके सभी वर्जन से जैसे कि तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जनस कैसे कहाँ पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाले फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं जिगर थंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे जगह ठंडा जो 2014 में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुभा ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तीरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो सफ़ीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में खरीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फिलहाल में आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म में 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलाया राशि का रोल प्ले करते नजर आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेम्बर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल केली का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकमस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विधु सेत्तानी का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मालिश्री ने इस फिल्म में आलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलायारासी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सनात ने इस फिल्म में आ, जो ऑडियंस में जो लोग रहते उसमें कैमियो अपरेंस दिया हुआ था बावा चिल्ला दूरा ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैमियो देते हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे रागा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सिमा अपना रोल रिप्रेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते तो हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूज़िक के लिए चूज़ किया गया ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बाराज ने सभी चीज़ें शेयर किए हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने एस की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बिक शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को जॉइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीजें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एक्सॉटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को सूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थन्दी कु जो कोडे कनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रेप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज़ किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममा दूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पैक्स करके जो गाना था उसको ओफरो ने लिखा हुआ था ओफरोस ने ही गाया हुआ था तिकुचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नारायण के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फ़िलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस्क की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पे चूज करते और उसके बाद में रे डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस सूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबह ने उनके एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफी हद तक मौका मिला जहां पे इस मौके को उन्होंने भुनाया हुआ है जिका डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट सेड्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्ब्राज की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के, कहान के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फ़िल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपके आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एजे एक्टर के तौर पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए इस जूर्य की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था कि वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करते हुए नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन सिंट जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजक्शन देखाया जाता है फर्स्ट हाफ़ में वो और भी बेटर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप करते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी ज़रूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता है इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है से सीन से, वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबर ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीगत हंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली 10 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था यूएसएड विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली तो यहां पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाई डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म फिल्म में मतलब कि उसके साथ कार्तिक कार्तिक की आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे स्ट्रॉग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगत हंडर डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जिगा थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगा थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटीटी टी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर थंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कन्नड़ा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे ठंडा जो 2014 में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह राज ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुबहराज ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में खरीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर ठंडा टू जो एक अलग अलग लोन नॉन लीनियर तरीके से बताई गई फिल्म में 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरुबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रई दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजा, साजान इस फिल्म में आपको मलाया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोडी का रोल प्ले किया है जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एमएलए और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोडी के फेलो पार्टी मेंबर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल गिली का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकमस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से तानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में आलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सनात ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते उसमें कैम्यो अपरेंस दिया हुआ था बावा चिल्ला दूरा ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैम्यो देते हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर आज जिका थंडा जो दो तो हज़ार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते तो हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूजिक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बर जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा कट्टू का, का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बर ने सभी चीज़ें शेयर की हुई थी उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बा के साथ पिट्टा और मर्क फिल्म में काम किया हुआ था सबिक शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीज़ें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एग्जॉटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थन्दी कुड़े जो कोडेकनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजोर पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज़ किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो खरीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममा दूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पैक्स करके जो गाना था उसको ओपरो ने लिखा हुआ था ओपरोस ने ही गाया हुआ था तिकूचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस्क की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते हैं सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पे चूज करते और उसके बाद में रे डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस यूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस इस एक्टर के तौर पर इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने भुनाया हुआ है ठंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पे वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए हैं जूर्य की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंटरेस्ट करते जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करते हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजिकसन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंथी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप करते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स की जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वह काबिल तारीफ़ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शो किया है सिनेमाटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी ज़रूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता है। इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीगत हंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया था यूएसएड विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ तो वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली तो यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म फिल्म में मतलब कि एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर से कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जिगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जिगर थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगाथा डबल एक्स जिसका सेटेलाइट राइट से तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओ राइट से सभी वर्जन के वो खरीदे नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर ठंडा डबल एक्स यानी कि जिगर ठंडा टू ये 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगू कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था ए कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे ठंडा जो दो में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुबह ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत सांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे ख़ास रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ तो उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तीरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो सफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लीनियर तरीके से बताई गई फिल्म नाइनटीन 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुराई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियन इस फिल्म में आपको मलाया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया है जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एमएलए और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेंबर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल लिए का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकम्बेस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएँगे सनाथ ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते उसमें कैम्यो फिर दिया हुआ था बावा चिल्ला दूराय ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैम्यो देती हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत है वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक कार्तिक सुपर राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे राघा और लोरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जगत रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूज़िक के लिए चूज किया गया चिकर ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बराज ने सभी चीज़ें शेयर की हुई थी उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बा के साथ पिट्टा और मर्की फिल्म में काम किया हुआ तो सबक शफ़ीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीज़ें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एग्जॉटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थन्दी कुड़े जो कोडेकनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजोर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो खरीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममादूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पेक्स करके जो गाना था उसको ओफ्रो ने लिखा हुआ था ओफ्रोस ने ही गाया हुआ था तिक्कू ची करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मातिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फ़िल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज़ करते और उसके बाद में रे डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या सूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नजर आते जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है जिकत्डा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेट्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट सेड्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई है सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फ़िल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकेंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए इस जैसूर्य की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फिल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस का थे जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स से वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजिशन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंथी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप करते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स की जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इम्प्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीखत ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस जी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया था यूएस सर्ट विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीब छब्बीस सौ तो वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के दे बाद डे बाई डे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जिगर थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगर थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट से तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटीटी टी टी से सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्रीम में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिग थंडा डबल एक्स यानी कि जिग थंडा टू ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पिन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कन्नडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिग ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सीक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीजें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीजें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे जिग ठंडा जो दो में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को भी आ, कार्तिक सुबहराज ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें कार्तिक सुबहराज ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबहराज कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ तो उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपरचुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो सफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक सौ बहत्तर मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फिलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म है 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रई दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियन इस फिल्म में आपको मलैया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएँगे जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़े का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसो मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेंबर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दूराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल लिए का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेणु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकम्बेस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी मुर्गन ने इस फिल्म में मलया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नज़र आएँगे सनाथ ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते थे उसमें कैमियो फिर दिया हुआ था बावा चिल्ला दुराई ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैमियो देती हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसों के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि कार्तिक सुपर आज जिका ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सीक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक थी, उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूज़िक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिशा साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बाराज ने सभी चीज़ें शेयर किए हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बिक का शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीजें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी 12 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के कुछ एक्सोटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहां पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थंदी कोडे जो कोडेकनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक तेईस वर्क के साथ वेप रेपअप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूजिक का राइट्स था वो खरीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था मामा ममादूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पेक्स करके जो गाना था उसको ओफ्रो ने लिखा हुआ था ओफ्रोस ने ही गाया हुआ था तिक्कू ची करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मातिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रैक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फिल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज़ करते और उसके बाद में रेई डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस ऐशूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है जिकतंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेट्स देखने को मिलते दोनों डिफरेंट को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का पे फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई है सेकेंड हाफ़ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ़ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए इस जसूर्य की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजिशन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेटर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप देते तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे और, और इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकत ठंडा डबल एक्स की जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फिल्म का एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस करती है वो काबिल तारीफ़ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इम्प्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीब तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी ज़रूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबा ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीखत ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत थंडर डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया था यूएस सर्ट विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब की एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज़ में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर से कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वजन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वजन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने हैं तो सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जेगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो इंग्लिश विथ सब्सक्रिप्शन डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगर थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट से तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटी टी राइट से सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्रीम में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगरथंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू एक दो हजार तेईस की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगू कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सीक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे ठंडा जो दो में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुबहराज ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इनवेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फिलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म में सेवनटी थ्री और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरुबाकरण यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलाइया राशि का रोल प्ले करते नजर आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन चाको झा जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेम्बर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दूराई पांड्यान का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल लिए का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेणु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकम्बेस्ट चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू सेत्तानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे अशरफ मलिश्री ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलाया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नज़र आएँगे सनाथ ने इस फिल्म में आ, जो ऑडियंस में जो लोग रहते थे उसमें कैम्यो अपरेंस दिया हुआ था पावा चिल्ला दूरा ने एस भी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैम्यो देती हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फैंसों के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत है अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहां पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पर राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते तो हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूजिक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिशा साजन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुबह ने सभी चीज़ें शेयर किए हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बिक सफिक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीजें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एक्सोटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में तंदी कोडे जो कोडे कनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई दो तक पेच वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज़ किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने व वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममादूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पेक्स करके जो गाना था उसको ओफरो ने लिखा हुआ था ओफरो ने ही गाया हुआ था तिकूचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नारायण के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रैक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फ़िल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज़ करते और उसके बाद में रेई डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस यूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है जिकत थंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट सेड्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राग टाइगर लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपके आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले से, जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए इस जूर है कि डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फिल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजेक्शन देखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप करते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ़ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी ज़रूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मिला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीखत ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में ऐड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत थंडर डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया था यूएसटिकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ तो वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली जो यहाँ पे जापा फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर से कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टी वालों ने इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जिगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो सब्सक्रिप्शन डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगर थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट से तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटीटी राइट सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्सन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर थंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू ये एक दो हजार तेईस की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पिन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कन्नड़ा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिग ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीजें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीजें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे जिग ठंडा जो दो में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी आ, कार्तिक सुबहराज ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें कार्तिक सुबहराज ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबहराज कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ तो उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपरचुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइज में ख़रीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फिलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म नाइनटीन 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुराई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरुबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रई दासन का जो एक एक्स एक पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलाइया राशि का रोल प्ले करते नजर आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चाक को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कौड़ी के फेलो पार्टी मेम्बर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दूराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल गिली का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकम्बेस्ट चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से तानी का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मालिश्री ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलाया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सन्नाथ ने इस फिल्म में आ, जो ऑडियंस में जो लोग रहते थे उसमें कैम्यो अपरेंस दिया हुआ था पावा चिल्ला दुग्राई ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैम्यो देते हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फैंसो के रोल में कैम्यो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत है वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पर राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जगत थना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूजिक के लिए चूज़ किया गया ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बाराज ने सभी चीज़ें शेयर किए हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कटी फिल्म में काम किया हुआ था तो का शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीज़ें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी 12 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के कुछ एक्जॉटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थंदीकुड़े जो कोडे कनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने व वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममा दूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पेक्स करके जो गाना था उसको ओफरो ने लिखा हुआ था ओफरोस ने ही गाया हुआ था तिकूचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानू के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रैक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसकरेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फिल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेई डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पे चूज करते और उसके बाद में रे डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस एजचूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है ठंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट सेड्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पर उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए रंग अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का हाफ था उसके हिसाब से काफी बेहतर था फिल्म की कहानी के, कहान के हिसाब से भी काफी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहां पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीजें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपके आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले से, जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए एजूर्य की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फिल्म का एक्शन है उसको काफी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहां पे सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीजें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट टाइप दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस का हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ़ में लेक करते हुए नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन सिन्ट जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजेसन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ़ में वो और भी बेटर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चोप कर देते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती जिका ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबर ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मज़ा आई है सीखा ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में ऐड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इन्जॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया गया था यूएसएड विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जा फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक ही फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टी वालों ने इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगह हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिस जिगर थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगाथा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइड है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटीटी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगत ठंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके ही में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सीक्वल थी जहाँ ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे ठंडा जो 2014 में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुबह ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक सौ बहत्तर मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में खरीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फिलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग लोन नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म नाइनटीन 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलाइया राशि का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़ी के फेलो पार्टी मेम्बर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दूराई पांड्यान का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया हुआ है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल लिए का रोल प्ले किया जो किरबन की वाइफ का रोल था कपिला वेणु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकमस्ट चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदु सेतानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलया राशि के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सनात ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहे थे उसमें कैमियो अपरेंस दिया हुआ था बावा चिल्ला दुबराई ने एस बी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैमियो देती हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते किुबान के फैंसो के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत है अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे रागा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्रेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक थी उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूज़िक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगंडा कटू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बाराज ने ये सभी चीज़ें शेयर की हुई थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने एस की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बी का मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीजें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एक्सॉटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थंदी कुड़े जो कोडे कनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रेपअप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने व वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममा दूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड करके जो गाना था उसको ओफरो ने लिखा हुआ था ओफ्रोस ने ही गाया हुआ था तिकूचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नारायण के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फ़िलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस्ट की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज करते और उसके बाद में रेई डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस एजचूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पर इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है ठंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेट्स देखने को मिलते दोनों डिफरेंट सेट्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बराज की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ़ फिल्म का फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के, कहान के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते जो आपकी आँखों में आंसू ला देंगे वहीं पर कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते थे जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफी सॉलिड नजर आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पे वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ़ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए एस जूर्य की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था कि वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन सिन्ट जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजेसन देखाया जाता है फ़र्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप अप कर देते तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो इनहेंस करती है वो काबिल तारीफ है जो एंगल्स देखने को मिलते दे, हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको सोकिस किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मजा आई है जिगर ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली 10 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था यूएस सर्ट विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ तो वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाय डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उस के सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर से कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टी वालों ने इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने हैं तो सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जिगर थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगा थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटी टी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओटीटी की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर ठंडा डबल एक्स यानी कि जिगर धंडा टू एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलगु कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिग ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे जिग ठंडा जो 2014 में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सीक्ल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें कार्तिक सुबहराज ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबहराज कार्तिके न संत शांतनम एस कासन और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएसन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जैंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खास रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपरचुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में खरीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल में आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म में 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुरई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलैया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एम और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसू मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेम्बर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते जिन्होंने पेन गिल गिली का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकमस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से तानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में आलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलायारासी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सनाथ ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते उसमें कैम्यो अपरेंस दिया हुआ था पावा चिल्ला दूरा ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैम्यो देते हुए नज़र आएंगे शिला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैम्यो देते हुए नजर आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत है अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर आज जिका ठंडा जो दो तो हज़ार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सिमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते तो हुए नज़र आए थे एक फ़िल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूजिक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजान को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बर जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा का टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बरराज ने ये सभी चीज़ें शेयर की हुई थी उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बा के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बिका शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीज़ें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एक्सोटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में तंदी कुडे जो कोडे कनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रेप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज़ किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूजिक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममा दूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था टेन थाउजेंड पैक्स करके जो गाना था उसको ओफरो ने लिखा हुआ था ओफरोस ने ही गाया हुआ था तिकूचिकर करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नारायण के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस्ट की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज करते और उसके बाद में रे और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस सूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पे इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबह ने उनके एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने पुनाया हुआ है जिकरथंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेट्स देखने को मिलते दोनों डिफरेंट को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बराज की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफी सोलिड नजर आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पे वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए इस जश की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट हाफ दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नजर नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजिशन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंथी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चो कर देते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ़ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको किया है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो तो बढ़िया रहता है। इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मजा आई है सीकरा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया था यूएसएड विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद जिस किया वो काबिल जापान एक अच्छी कार्तिक की जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे स्ट्रॉग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जिगत हंडर डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स जिगा थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगा थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटी टी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर ठंडा डबल एक्स कि जिगर थंडा टू ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलगु कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे जगह ठंडा जो 2014 में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सीक्ल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह राज ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें कार्तिक सुभाज ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबहराज कार्तिकेन संत शांतनम एस कार्तिकेशन और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जैंट मूवीज़ ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट लंबी ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तिरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो शफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में खरीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल में आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म में 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियोस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुराई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियान इस फिल्म में आपको मलैया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़े का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एमएलए और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसो मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़े के फेलो पार्टी मेंबर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांडेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल गिली का रोल प्ले किया जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकमस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू सतानी का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलायारसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे सनात ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते उसमें कैमियो अपरेंस दिया हुआ था बावा चिल्ला दूरा ने एस बी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैमियो देते हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैमियो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक आतिक सुपर आज राज ठंडा जो दो हजार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सिक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे राघा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फ़िल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूजिक के लिए चूज़ किया गया चिकर ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में निमिषा साजन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बर जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बर ने सभी चीज़ें शेयर की हुई थी उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म कि जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बा के साथ पिट्टा और मर्क फिल्म में काम किया हुआ तो सब्बिक शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पर इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीज़ें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी बारह दिसंबर दो को इस फिल्म के कुछ एक्सोटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थन्दी कुड़े जो कोडेकनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजर ऑफ पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेज वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर ठंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो खरीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममादूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको गाया हुआ था, था। पेक्स करके जो गाना था उसको ने लिखा हुआ था ओपरो ने ही गाया हुआ था तिकुची करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मतीस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फिलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फ़िल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते हैं सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पे चूज़ करते और उसके बाद में रेई डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस यूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस इस एक्टर के तौर पर इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबह ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने बुनाया हुआ है ठंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते दोनों डिफरेंट सेड्स को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ़ था उसके हिसाब से काफी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफ़ी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले से, जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफ़ी सॉलिड नज़र आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पे वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए ऐसे सूर्य की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फिल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट टाइप दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस का थे जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ़ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ़ में लेक करती हुई नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन सिन्ट जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंदी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चो अप कर देते तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे और और इस फिल्म साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको शोकेस किया है सिनेमाटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इंप्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मजा आई है सीख ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्सन से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया था यूएसएड सर्टिफिकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाई डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने तो सन टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु, कन्डा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जिगा थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगा थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटी टी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में जिगर थंडा डबल एक्स यानी कि जिगर थंडा टू ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज में बनने वाली पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु कनाडा मलयालम तमिल हिंदी ये सभी लैंग्वेज में डब करके ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे ये एक वेस्टर्न एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जगह ठंडा जो 2014 में फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वल थी जहाँ पे ये वैसे कहानी चीज़ें अलग थी कॉन्सेप्ट अलग था एम कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन चीज़ें कहानी कैरेक्टर्स अलग थे ठंडा जो दो में आई थी वो एक तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म का सिक्वल भी अब बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को भी कार्तिक सुबह ने ही डायरेक्ट किया हुआ है जिन्होंने पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें कार्तिक सुभा ने ही की हुई प्रोडक्शन में कार्तिक सुबह कार्तिकेन संत सांतनम एस कार्थी और अलंकार पांडिन जैसे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएसन और इन्वेनो ओरिजन के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था रेड जाइंट मूवीज ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज दिलवाई हुई थी वैसे इसके साथ एक जापान करके जो कार्तिक स्टारर फिल्म थी वो भी थिएटर में रिलीज हुई थी तो एक अच्छी खासी कंपटीशन थी उसके सामने लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छी ऑपॉर्चुनिटी मिली हुई थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि दो घंटे बावन मिनट ये फिल्म थी सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी तीरू ने की हुई थी एडिटिंग थी वो सफीक मोहम्मद अली ने की हुई थी जिन्होंने दो घंटे बावन मिनट यानी कि एक मिनट का एक लंबा रन टाइम दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसके राइट्स थे वो अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे गए थे और इस फिल्म के जो गाने थे वो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल में आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो जिगर थंडा टू जो एक अलग अलग, अलग नॉन लिनियर तरीके से बताई गई फिल्म नाइनटीन 1973, 1975 और इस दौरान इस फिल्म की कहानी को सेट किया था लीड कास्ट में थे राघव लॉरेंस जिन्होंने इस फिल्म में एलियस यानी कि एलियन सीजर का रोल प्ले किया हुआ था जो एक मदुराई बेस्ड गैंगस्टर है आ, इसके अलावा इस फिल्म में एस जे सूर्या किरोबाकरन यानी कि किरोबन का रोल प्ले करते नजर आएंगे रही दासन का जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था और इस फिल्म में आपको नवीन चंद्रा देखने को मिलते हैं जिन्होंने डीएसपी एस रत्न कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो जया कोड़ी का यंगर ब्रदर है निमिषा साजियन इस फिल्म में आपको मलाया राशि का रोल प्ले करते नज़र आएंगी जो एलियन की वाइफ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे साइन टॉम चा को जिन्होंने जया कोड़ी का रोल प्ले किया जो एक फिल्म स्टार है उसके बाद में एमएलए और लीडिंग पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी के बनते इलावा रसो मिनिस्टर कर्मा मेघम का रोल प्ले करते नजर आएंगे इस जो जया कोड़ी के फेलो पार्टी मेंबर है और राइवल है सीजर के मेंटर है इसके अलावा सत्यान इस फिल्म में दुराई पांड्यन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो किरोबन के फ्रेंड और बडिंग डायरेक्टर का रोल था इसके अलावा अरविंद आकाश ने चिन्ना का रोल प्ले किया है जो एक एक्टर और इस फिल्म में संचना नटराजन देखने को मिलते हैं जिन्होंने पेन गिल लिए का रोल प्ले किया जो, जो किरोबन की वाइफ का रोल था कपिला वेनु ने इस फिल्म में चीफ मिनिस्टर इनकम्बेस्टर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विदू से तानी का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अशरफ मलिसरी ने इस फिल्म में अलियन के फादर का रोल प्ले किया हुआ है तेनी आ, मुर्गन ने इस फिल्म में मलायारासी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विष्णु गोविंदन ने इस फिल्म में नारायण का रोल प्ले किया हुआ है तमिल आदित्य भास्कर सुजाता बाबू इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएँगे सनाथ ने इस फिल्म में जो ऑडियंस में जो लोग रहते हैं उसमें कैम्यो फिर दिया हुआ था बावा चिल्ला दूराय ने एस पी चंद्रन का रोल प्ले किया था जो एक फिल्म डायरेक्टर का एक के रोल था वो कैमियो देते हुए नज़र आएंगे शीला राजकुमार इस फिल्म में लॉर्ड का रोल प्ले करते हुए किरुबान के फ्यंसो के रोल में कैम्यो देते हुए नज़र आएंगे तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट कास्टिंग की शुरुआत वो अप्रैल दो में की हुई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि एक कार्तिक सुपर राज ठंडा जो दो हज़ार चौदह की फिल्म थी उसके सिकॉल के ऊपर काम कर रहे जहाँ पे उस फिल्म के लिए उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जहाँ पे इस फिल्म में जो सेकंड सीक्वल है उसके लिए उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ बातचीत की हुई है जहाँ पे रागा और लॉरेंस उसमें लीड रोल में होने वाले बोवी सीमा अपना रोल रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फिल्म से ये सभी चीज़ें अनाउंस सामने आई हुई थी निकल के एक अगस्त को करीबन आठ साल के बाद जो जिगतना रिलीज हुई थी ठीक थी, उसके आठ साल के बाद इस फिल्म को अनाउंस किया हुआ था जहाँ पे एस जे सूर्या इस फिल्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे एक फिल्म मेकर का संतोष नारायण को म्यूज़िक के लिए चूज़ किया गया चिकत ठंडा में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में साजन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी सुब्बा जो विनायन चतुर्थी के मौके के ऊपर थे इकतीस अगस्त 2022 को एक प्री प्रोडक्शन की चीज़ शेयर की हुई थी जिगत हंडा कट्टू का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक सुब्बाराज ने सभी चीज़ें शेयर किए हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट और फ्रेश होने वाली है जो पहले पार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है सिनेमेटोग्राफी थी वो एस थिरुनावरकर सुने से की हुई थी जहाँ पे जिन्होंने सुब्बाज के साथ पिट्टा और मर्कडी फिल्म में काम किया हुआ था सब्बी का शफीक मोहम्मद अली जिन्होंने एज एडिटर के तौर पे इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का डेवलपमेंट कास्टिंग ये सभी चीजें हुई उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो मदुराई से स्टार्ट की हुई थी 12 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के कुछ एक्सोटिक लोकेशंस थे जो केरला तमिलनाडु में थे वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया था कुछ सेट्स तैयार किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म में थन्दी कुड़े जो कोडेकनाल के पास में आया हुआ है वहाँ पे एक सेट तैयार किया हुआ था मेजोर पोर्सन फिल्म की शूटिंग वहीं की गई थी पूरी तरह से फिल्म को जुलाई 2023 तक पेच वर्क के साथ वे रैप अप करवाया उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक है वो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स थे वो संतोष नारायण ने कंपोज किए हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट के जो गाने वो भी कंपोज किए हुए थे इस वजह से उनको इस पार्ट के लिए भी अप्रोच किया था क्योंकि उस पार्ट के गाने लोगों को पसंद आए थे जहाँ पे जिगर हंडा डबल एक्स का जो म्यूज़िक का राइट्स था वो ख़रीदा हुआ था थिंक म्यूजिक वालों ने जिन्होंने एक अच्छी प्राइस दी हुई थी फिल्म के गानों के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे जिसके लिरिक जिसमें पहला गाना था ममादूरा जिसको लिखा हुआ था विवेक ने धी और संतोष नारायण ने उसको, हुआ उसको ने हुआ ने गाया हुआ था टेन थाउजेंड पेक्स करके जो गाना था उसको ओफ्रो ने लिखा हुआ था ओफ्रोस ने ही गाया हुआ था तिक्कू ची करके जो गाना था उसको मुथमिल और पुवन मातिस के द्वारा लिखा गया था युवान शंकर राजा संतोष के द्वारा उसको गवाया गया था और संतोष नारायण के द्वारा गवाया गया था ओए राम गाना था उसको विवेक ने लिखा हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको संतोष नानन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करवाए गए थे ये सभी ट्रेक फ़िलहाल में थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उन्होंने इन सभी गाने को अवेलेबल किया हुआ है तो ये सभी गाने आप वहाँ पर जाके ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो जैसे कि एलियस सीजर वो रोल राघव लॉरेंस प्ले करे वो एक क्रिमिनल है जो एक फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग है उसको डिसक्रेज करते कहते कि उनका जो लुक है डस्क की लुक है जो आ, कलर टोन है वो फिल्म के हीरो के हिसाब से सही नहीं है और उसके बाद में वहाँ पे सीजर को एक गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो हीरो बन के रहेगा और वो कुछ डायरेक्टर्स को आ, उनको स्टोरी नेरेट करने के लिए बुलाता है जहाँ पे रेड डेसन की बाद में एंट्री होती है जो रोल एस जे सूर्या प्ले कर रहे हैं और वो जब कहानी बताते हैं सीजर को कहानी पसंद आती है उनका कौन से भी पसंद आता है उनको वो डायरेक्टर के तौर पर चूज करते और उसके बाद में रेई डेसन और सीजर के लिए जो लाइफ स्टोरी है वो पूरी फिल्म में दिखाने की फैसला लिया जाता है सीजर किस तरह से अपने जो इस हीरो बनने के अवतार में मैसिव चेंज होता है उसका उसके बाद में किसी क्या इस यूर्या का जो किरदार है रे वो उसको हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है राघव लॉरेंस एज एक्टर के तौर पर इसमें अपना पोटेंशियल पूरा दिखाते हुए नज़र आते जहाँ पे कार्तिक सुबहराज ने उनका एक्टिंग पोटेंशियल को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया हुआ है राघव लॉरेंस आ... इतना कुछ खास उनको अभी तक स्कोप नहीं मिला था एज एक्टर के तौर पे लेकिन इस फिल्म में उनको काफ़ी हद तक मौका मिला जहाँ पे इस मौके को उन्होंने भुनाया हुआ है ठंडा डबल एक्स में उन्होंने पूरी तरह से अपने किरदार के साथ फिल्म में एक अच्छा खासा छाप छोड़ा हुआ है उनके किरदार में दो अलग अलग सेड्स देखने को मिलते हैं दोनों डिफरेंट को उन्होंने जिस तरह से प्ले किया हुआ है एज अ परफॉर्मर के तौर पे उन्होंने काफी एक्सीलेंट काम किया हुआ है यहाँ पे हमें कार्तिक सुब्बर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने जिस तरह से जो किरदार लिखा था उसके लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया और उसमें उनके पास ये परफॉर्मेंस निकलवाई फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म का फर्स्ट हाफ था उसके हिसाब से काफी बेहतर था फिल्म की कहानी के हिसाब से भी काफी सेकंड हाफ बढ़िया तरीके से बनाया गया था स्टोरी पूरी तरह से वहाँ पे यू टर्न लेती है कुछ इमोशनल चीज़ें फिल्म में डाली हुई सेकंड हाफ में वो भी अच्छी तरह से काम कर जाती है प्री क्लाइमेक्स पोर्सन था वो फिल्म का अच्छा था इसके अलावा कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे वहीं पे कुछ फॉरेस्ट वाले जो आपको फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जंगल के उसमें जो एलिफेंट वाला सीन था वो भी विजुअली काफी सोलिड नजर आता है एस जे सूर्या एज एक्टर के तौर पे वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को और बेहतर बनाया हुआ है राघव लॉरेंस के साथ जिनके भी उनके जितने भी उनके सीन्स थे खास करके सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आए हुए ऐसे सूर्य की डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को संभाल के रखती है नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म का एक्शन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्शन कोरियोग्राफी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इस फिल्म में जो फर्स्ट टाइप दिखाया हुआ है जो कैरेक्टर इंट्रोस करते हैं जो वर्ल्ड बिल्डिंग की हुई है वो सीन्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आते बोरिंग लगते उतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते फिल्म काफ़ी स्लो डायरेक्टर ने दिखाई हुए मैनी पोअर सन्स इस फिल्म में ऐसे थे कि जिसको ट्रैक किया हुआ है कुछ सीन्स से वो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अच्छे थे लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिल्म फर्स्ट हाफ में लेक करते हुए नज़र आती है इसके अलावा सीन टू सीन सिन्ट जिस तरह से इस फिल्म में ट्रांजक्शन दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में वो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसके बाद में इस फिल्म का जो लेंथी रन टाइम है उसमें काफ़ी काम किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो चॉप ऑप करते थे तो चलता क्योंकि उतने कुछ खास इम्पेक्ट डाल नहीं रहे थे ओवरऑल इस फिल्म में साइन टोम चाको जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी आपको पता ही है तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनका एक अच्छा रोल लिखा जा सकता था लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जिकर ठंडा डबल एक्स जो फिल्म है वो टेक्निकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म के अव्वल दर्जे की है जिस तरह से क्या एक सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करती है वो काबिल तारीफ़ है जो एंगल्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो वर्ल्ड दिखाए उसको है सिनेमेटोग्राफर ने वो नेक्स्ट लेवल का था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का टॉप नोट देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से सेटअप किया हुआ था जो सीन्स थे उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक अच्छा मूड क्रिएट करके देता है बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपलिफ्ट करने में मदद करता है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन टीम थी उनका इम्प्रेसिव काम देखने को मिलता है एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी फिल्म को काफ़ी हद तक चॉप ऑफ किया जा सकता था करीबन तीन घंटे के आसपास की फिल्म थी उतनी जरूरत थी नहीं ये फिल्म करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की रहती तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे कार्तिक सुबह ने इस फिल्म में सभी एक्टर्स के पास सोलिड परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है कुल मेला के बात करें जिगर ठंबर ठंडा डबल एक्स अगर आपको पहले पार्ट में मजा आई है सीख ठंडा पहला पार्ट जो आया था उसमें वो फिल्म अच्छी लगी है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है लेकिन जो लोग ने उस फिल्म के साथ एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा था उनको इस फिल्म में कुछ पोर्स से वो कनेक्ट करेंगे वहीं पर जो कुछ पोर्सन है उनको बोरिंग लगेंगे वैसे राघव लॉरेंस और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज़ करेगी एस डी सूर्या का जो एलिमेंट फिल्म में एड किया हुआ है वो फिल्म को बचा लेता है फिल्म का सेकंड हाफ सब फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्लाइटली बेटर है ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डेफिनेटली मिलेगा तो अगर उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो तो जिगत हंडा डबल एक्स फिल्म को थिएट्रिकली दस नवंबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया था यूएस सर्ट विकेट के साथ जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छब्बीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस रेटिंग के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी डिसेंट ओपनिंग ली यहाँ पे जापान फिल्म के साथ रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जिस तरह से डे बाई डे कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ है जापान एक अच्छी फिल्म में मतलब कि एक अच्छे बस उसके साथ कार्तिक कार्तिक की फिल्म आ रही थी तो उसके सामने इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने के बाद डे बाई डे स्ट्रॉन्ग कलेक्शन किया उसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा मैनेज किया करीबन पच्चीस तीस दिनों के अंदर जिस तरह से पचास साठ करोड़ के पार का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया वो काफ़ी ले तारीफ थी ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सत्तर करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन था वो करके दिखाया था जहाँ पे फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन था वो भी करीबन पैंतीस चालीस करोड़ के ऊपर का निकल के आया जिसके चलते एक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म रही जिसके ओ टी टी राइट्स वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे सन टीवी वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने हैं तो सन टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तमिल वर्जन में जगत हंडा डबल एक्स नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में साथ ही में हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो विथ इंग्लिस सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगा थंडा डबल एक्स नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिगा थंडा डबल एक्स जिसका सैटेलाइट राइट है तमिल वर्जन का वो खरीदा है सन टीवी ने और ओटीटी राइड सभी वर्जन के वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने इसका मतलब सन टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे ओ की बात करें तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में तो बस गाइस जगह थंडा डबल एक्स फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू